तबलीगी मरकज को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ हाई लेवल मीटिंग की। सीएम योगी ने अफसरों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि लॉकडाउन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली की तबलीगी जमात में शामिल होकर प्रदेश आए लोगों की तेजी से तलाश की जा रही है, उन्हें क्वारंटाइन किया जाए जिससे कि संक्रमण का खतरा न फैले। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोविड 19 से लड़ाई के लिए पावर कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी रिसर्च को आगे बढ़ाने का काम करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ सबको साथ लड़ना होगा, इस लड़ाई में सबको साथ आना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि किराएदारों को मकान मालिक न निकाले। लव अग्रवाल ने आगे बताया कि कोरोना से 3 और लोगों की मौत हुई है। लोगों का समर्थन नहीं मिलने से मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों, आम आदमी और छोटे दुकानदारों के पास कुछ नहीं बचा है। लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम 6 महीने का बिजली का बिल माफ किया जाए। गौतम बुद्ध नगर के नवनियुक्त जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने आज जिले का चार्ज लिया और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने और संदिग्धों की जांच करने को लेकर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक सामान शहरवासियों को उपलब्ध रहेगा। सभी शहरवासी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे। नए केस की सूचना के लिए रैपिड एक्शन फोर्स बना रहे हैं। सभी जरूरी मेडिकल सामान भी जुटाए जा रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मौलाना के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर सकती है। तबलीगी जमात के सेंटर से रविवार को दिल्ली के LNJP अस्पताल में 34 लोगों को जांच के लिए लाया गया था और सभी कोरोना संक्रमण के संदिग्ध बताए जा रहे हैं। इसमें एक 64 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है, वो तमिलनाडु का रहने वाला बताया जा रहा है। दिल्ली में रात मरकज से करीब 100 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को 3 बसों में भरकर ले जाया गया। हेल्थ विभाग की टीम ने इलाके के DM और पुलिस के साथ मिलकर इन्हें मरकज से निकाला। इसमें जो लोग ज्यादा बीमार लगे उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है, जबकि संदिग्ध लोगों को नरेला में आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया। दिल्ली में मुस्लिम संगठन तबलीगी जमात के मुख्यालय और घरों समेत पूरे इलाके को काट दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस CRPF की मेडिकल टीम लोगों की जांच करने में जुटी हुई है। उन्हें अलग रखने के निर्धारित अस्पतालों में भेज रही है। पूरे इलाके को सील करने के बाद सैनिटाइज किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस इलाके पर नजर बनाए हुए है। ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। निजामुद्दीन मरकज के बाद अब यूपी सरकार अलर्ट पर है। लखनऊ के अमीनाबाद मरकज में चेकिंग के दौरान 6 विदेशी जमाती पकड़े गए। सभी जमाती किर्गिस्तान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर DM और कमिश्नर ने मरकज के आसपास के इलाकों की तलाशी ली। यूपी के 157 लोग निजामुद्दीन मरकज गए थे। निजामुद्दीन मरकज मामले पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने नाराजगी जताई है। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि आयोजकों ने बहुत ही घोर अपराध किया है, इनको बख्शा नहीं जाएगा। सत्येंद्र जैन ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात पर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि तबलीगी जमात में उत्तर प्रदेश के जो भी धर्मगुरु मौलाना शामिल थे वो छिपाए न सामने आए, प्रशासन को बताएं, अपनी जांच करवाएं, खुद के साथ परिवार और समाज के लोगों की सुरक्षा करें। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि तबलीगी जमात आतंकवादी संगठनों के लिए मानव बम तैयार करती है। इस जमात के लोगों ने अपने लोगों में कोरोना वायरस पैदा कर हिंदुस्तान इसलिए भेजा जिससे कि भारत में ज्यादा से ज्यादा मौत कराई जा सके। रिजवी ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए मौत से कम कोई सजा नहीं है। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की है कि वो सभी समाजवादी की जन जन की सहायता करने की परंपरा को आगे बढ़ाएं।
अपने आसपास रह रहे गरीब लोगों को खाना दवाई जो भी मदद हो संभव वो करें। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सच्चा पुण्य होगा। सुप्रीम कोर्ट में मजदूरों के पलायन को लेकर दायर याचिका पर आज फिर सुनवाई हुई। केंद्र की ओर से कोर्ट में रिपोर्ट दायर कर कोरोना और पलायन को रोकने के लिए किए जा रहे इंतजाम के बारे में बताया गया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने 24 घंटे में एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश भी दिया। इस कमेटी का गठन स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा जो हर रोज लोगों के सवालों का जवाब देगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि पलायन को रोकने और मजदूरों से बातचीत के लिए 24 घंटे के अंदर राजनीतिक और धार्मिक लोगों का एक समूह बनाया जाए जो शेल्टर होम में जाएं और मजदूरों से बात करें। इसके अलावा शेल्टर होम में प्रशिक्षित काउंसलर भी भेजे जाएं। कोरोना महामारी का संकट भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या 1200 के पार पहुंच चुकी है जबकि 32 लोग अब तक अपनी जान भी गंवा चुके हैं। 101 लोग इससे ठीक भी हुए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर इलाके में मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो गया। प्रशासन ने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने आए लोगों को 15 दिन तक अपने घर में ही क्वारंटाइन रहने का निर्देश दिया है। देश में कोरोना वायरस का संकट बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच तेलंगाना सरकार ने कोरोना वायरस के कारण हुई नई मौतों का खुलासा किया है। तेलंगाना सरकार ने कोरोना वायरस के कारण हुई 6 मौतों की जानकारी दी है। तेलंगाना ने बताया कि सभी 6 लोगों की मौत तो कोरोना वायरस के कारण हुई। सभी 6 मृतक इसी महीने दिल्ली में निजामुद्दीन में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। मुजफ्फरनगर में बने एक क्वारंटाइन में ठहरे लोगों द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। वीडियो में लोगों ने जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रखी है। लॉकडाउन के दौरान शासन के आदेश पर बाहरी जनपदों से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन के लिए रखने के लिए कहा गया। बीआईटी कॉलेज मीरापुर को इसके लिए चुना गया लेकिन यहाँ लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था में प्रशासन फेल होता नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद पूरे देश में लॉकडाउन है। देशव्यापी बंद में आज 7वें दिन मुरादाबाद नगर निगम पार्षद ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। वार्ड 7 से बीजेपी पार्षद अपने पैसे से एक सैनिटाइजर मशीन खरीदकर पूरे इलाके को संक्रमण मुक्त करने की ठान ली। निगम पार्षद अपनी पीठ पर सैनिटाइजर मशीन लादकर दवाई का छिड़काव करते देखे। नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों का पलायन रोकने के लिए कम्युनिटी किचन खोली है। कैलाश अस्पताल में एक कॉल सेंटर के जरिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसके जरिए लोग अपने लिए खाना मंगा सकते हैं। नोएडा के सेक्टर 33 में ये कम्युनिटी किचन बनाई गई जहाँ सुबह और शाम लगातार खाना बन रहा है और जो भी लोग खाने के लिए कॉल सेंटर के जरिए इनसे संपर्क बना रहे हैं उनको बाइक और गाड़ियों से खाना मुहैया कराया जा रहा है। सांसद का कहना है कि लॉकडाउन के समय उनकी प्राथमिकता रहेगी कि उनके जिले में कोई भी भूखे पेट न रहे। लखनऊ में लॉकडाउन में लोगों की समस्याओं को देखते हुए कृष्णानगर सर्कल में पुलिस ने 700 परिवारों को गोद लिया जिसको लेकर डीसीपी सेंट्रल दिनेश सिंह एडीसीपी चिरंजीवी सिंह एसीपी कृष्णानगर दीपक सिंह ने विजयनगर में लोगों को खाना दिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा गया। लॉकडाउन के वक्त आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी को नए नए तरीकों से रोका जा रहा है। बाराबंकी की देवानगर पंचायत के देवा कस्बे में इस समय किराना व्यवसायियों की दुकानों पर प्रशासन ने एक लिस्ट चस्पा कर दी है। इस लिस्ट में जरूरी घरेलू सामानों के रेट लिख दिए गए हैं। ग्राहक जब दुकान पर आता है तो चीजों की रेट लिस्ट देखकर अपना सामान खरीद सकता है। प्रशासन के इस कदम से आम नागरिक कालाबाजारी का शिकार होने से बच रहे हैं। कानपुर में कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल की शिकायत पर प्रशासन ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद वीडियो वायरल करने वाले की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल सोशल मीडिया में मिर्गी पीड़ित मरीज को कोरोना पीड़ित बताया गया जिसके साथ ये दावा किया गया कि मेडिकल कॉलेज में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया में ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ है और लोगों में डर का माहौल बन गया।
मेरठ में पुलिस नियंत्रण कार्यालय के साथ साथ महिला थाना और जिला जेल में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। वहीं सैनिटाइजर के साथ साथ पुलिसकर्मियों से और जेल में रह रहे कैदियों से अधिकारियों ने यह अपील की कि वो अपने आसपास सफाई रखें और हाथ धोए और सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। मेरठ में कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ गया है। मेरठ में जहां जहां कोरोना से पीड़ित लोग पाए जा रहे हैं, आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया जा रहा है। मेरठ में कोरोना वायरस के 6 और मरीज संक्रमित पाए गए हैं। मेडिकल कॉलेज की जांच लैब में इन 6 मरीजों की कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि भी हुई है। मेरठ में अब तक संक्रमितों की संख्या 19 हो गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की एक मस्जिद में इंडोनेशिया के 8 लोगों का पता चला। प्रशासन ने मस्जिद से निकालकर उनके मेडिकल चेकअप करवाए और होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही जिस मस्जिद में वो लोग रुके थे उसके मौलाना और बाकी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अलीगढ़ के जवा थाना इलाके के पिलौना गांव की बड़ी मस्जिद में भी 16 जमाती रुके हुए थे, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम मस्जिद पहुंच गई। जानकारी मिली कि ये लोग निजामुद्दीन से आए, लेकिन जब पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ये लोग निजामुद्दीन नहीं लेकिन दूसरी मस्जिद में गए थे, जहां पर 20 से 25 हजार लोगों की भीड़ थी, इसलिए इनको यहां मस्जिद में क्वारंटाइन किया गया। यूपी के कई जिलों में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल की है। पिछले 2 महीने से सैलरी न मिलने और एम्बुलेंस में कोरोना से बचने के लिए कोई भी उपकरण मौजूद न होने को लेकर यह हड़ताल की गई। हालांकि प्रदेश सरकार ने उन्हें सैलरी दिलाने का भरोसा जरूर दिलाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डांट का असर दिखने लगा है। नोएडा जिला प्रशासन ने मंगलवार को सेक्टर 135 स्थित सीज फायर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को सील कर दिया है। कंपनी में कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले। लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना को लेकर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य रजनीश दुबे ने गाजियाबाद डीएम कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रमुख सचिव ने अधिकारियों से कोविड-19 से बचाव और सुरक्षा को लेकर जिले में की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी। पीलीभीत में बाघ के हमले से लोग दहशत में हैं। पीलीभीत के गजरौला इलाके में खेत की रखवाली कर रहे किसान पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना देने के बावजूद वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, इससे नाराज लोगों ने शव को रखकर प्रदर्शन किया। कानपुर देहात में रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के सौंझा गांव में एक मजदूर का शव संदिग्ध हालत पेड़ पर लटका मिला। मजदूर मनरेगा में काम करने वाला बताया जा रहा है। मजदूर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुशीनगर के हाटा नगर पालिका सब्जी मंडी में लोगों की काफी संख्या दिखी। सब्जी खरीदने आ रहे लोग न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, न ही मास्क समेत कोई भी सावधानी यहां बरती जा रही है। पुलिस की अपील का लोगों पर असर होता नजर नहीं आ रहा। लॉकडाउन के वक्त कई जगह दुकानदार चीजों के दाम में बढ़ोतरी कर उसे बेच रहे हैं, ऐसे कई जगह से खबर भी सामने आ रही है। इसी को लेकर फिरोजाबाद के डीएम चंद्र विजय सिंह ने खुद रियलिटी चेक किया। हाथ में थैला लेकर डीएम साहब ने खरीदारी की। इस दौरान सभी दुकानों पर सामान उसी रेट में मिल रहा था जिसको प्रशासन ने फिक्स किया है। करीब 1 घंटे तक डीएम अलग अलग जगहों का निरीक्षण करते देखे गए। कई जगह लॉकडाउन का सही तरह से पालन नहीं किया जा रहा है, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की जगह सोशल गैदरिंग हो रही है। लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां मितौली थाना क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक शाखा में सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर आनलाइन टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर भी हुआ। मामले को संज्ञान में लेकर एसडीएम ने शाखा प्रबंधक को जमकर फटकार लगाई। लॉकडाउन का सही से पालन हो सके इसके लिए प्रशासन भी सतर्क है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस अच्छे तरीके से सबक सिखा रही है। मेरठ में पुलिस ने लॉकडाउन के वक्त बाहर घूम रहे 2 युवकों से उठक बैठक करवाई।
बागपत की बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर पथराव किया गया। मामूली विवाद को लेकर के लोगों ने मकान की छत पर चढ़कर दूसरे पक्ष के लोगों के घरों पर पथराव कर दिया, जिसमें कई लोग घायल होने की खबर मिल रही है। वहीं पथराव की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया और काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। आगरा में एक दंपति द्वारा सुसाइड करने का मामला सामने आया है। यहां के शाहगंज थाना क्षेत्र के एक घर में पति पत्नी का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इलाके में मातम पसरा हुआ है। दोनों की शादी अभी 2 महीने पहले हुई थी। फिलहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ आग लगा ली। दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अग्निकांड से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। महिला ने आग किन कारणों से लगाई, इसकी पुलिस जांच कर रही है। कासगंज में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहां 5 लोगों ने नाबालिग के साथ रेप किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बिहार में गरीब बेघर मजदूरों की मदद के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी सामने आ रहे हैं। मानवता की मिसाल पेश करते हुए पटना में आरपीएफ के जवानों ने गरीब और मजदूरों के बीच खाना बांटने का काम किया। आईआरसीटीसी किचन में खाना बनाकर जवान गरीबों में बांट रहे। इस दौरान जवान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते भी देखे जा सकते। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने स्टे होम के दौरान घर की सफाई की। हाथ में वाइपर लेकर मुख्तार अब्बास नकवी सफाई में जुटे नजर आए। केंद्रीय मंत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो अपने घर को धो रहे हैं। कोरोना के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी जंग में रेलवे बड़े पैमाने पर अपना योगदान दे रहा है। कोरोना से निपटने के लिए रेलवे शुरुआती तौर पर अपने 5,000 पैसेंजर कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करेगा। रेलवे बोर्ड के सभी जोनों ने अपने अपने स्तर पर इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। कोच को आइसोलेशन में तब्दील करने के अलावा रेलवे अपने अस्पतालों में 6,500 बिस्तरों को भी कोरोना पीड़ितों के इलाज के अनुरूप तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाएगी। चीन के बाद इटली में मरने वालों की संख्या बाकी देशों से ज्यादा है। इटली के चर्च में कॉफिन में रखे शवों की लाइन लगी हुई है। इन सभी की मृत्यु कोरोना वायरस की वजह से हुई है। इस वजह से इनके शव को उनके परिवारों को भी नहीं सौंपा जा रहा है। पादरी शवों के साथ परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। सेना को इन शवों को दफनाने के काम में लगा दिया गया है। वो अपनी ट्रकों से इन कॉफिन को रखकर ले जा रहे हैं और शव दफना रहे हैं। कोरोना की चपेट में आने से विश्व की महाशक्ति अमेरिका में संसाधनों की कमी नजर आई। अमेरिका में अस्पताल के बिस्तर कम पड़ने लगे हैं। यहां पर वेंटिलेटर की कमी भी देखने को मिली। हालात से निपटने के लिए अब टेंट में अस्थायी इंतजाम कर कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है। सेना को सहायता के लिए बुलाया गया है और आपात स्थिति से निपटने के लिए पार्कों को अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। इस महामारी के संकट के बीच भी पाकिस्तान का अमानवीय चेहरा सामने आया है। पाकिस्तान में जारी लॉकडाउन के बीच कराची में प्रशासन ने हिंदुओं को राशन देने से इनकार कर दिया। कराची के रेहड़ी गोद में हजारों गरीब लोग अनाज और रोजमर्रे की चीज लेने पहुंचे, जहां कई हिंदुओं को निराशा ही हाथ लगी। उनसे कहा गया कि वो चले जाएं, राशन सिर्फ मुसलमानों के लिए है। पाकिस्तान में सिंध के प्रशासन ने स्थानीय गरीब मजदूरों के लिए राशन बांटने का प्रबंध किया। एक सहयोगी के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके करीबी सलाहकारों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। हालांकि अधिकारियों की ओर से कहा गया है यह स्पष्ट नहीं है कि 70 वर्षीय प्रधानमंत्री इस वायरस से संक्रमित हैं या नहीं। लॉकडाउन के चलते भारतीय क्रिकेटर अपने परिवारों के साथ घर में ही समय बिता रहे हैं। ऐसे में पांड्या ब्रदर्स हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या घर में ही क्रिकेट खेलकर अपना मनोरंजन कर रहे हैं। पांड्या बंधुओं ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दोनों भाई बंद कमरे में क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए पांड्या ब्रदर्स ने देशवासियों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में कई भारतीय क्रिकेटर उतर आए हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने
इस जानलेवा वायरस से लड़ने के लिए अपना योगदान देने का ऐलान किया है। सोमवार को भारतीय कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर मदद का ऐलान करते हुए ट्वीट किया, अनुष्का और मैं पीएम केयर्स फंड और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद करने की शपथ लेते हैं। स्त्री फेम एक्टर राजकुमार राव ने ट्विटर के जरिए फंड डोनेशन की बात शेयर की है। उन्होंने लिखा है, ये समय है कोरोना वायरस के खिलाफ प्रशासन के साथ खड़े होकर इसका सामना करने का। मैंने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कर दिया है। मैंने पीएम रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड और जोमैटो फंडिंग को अपनी ओर से मदद दी है ताकि जरूरतमंद परिवारों को जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सके। आप भी जिस तरह बन पड़े मदद करें, हमारे नेशन को इस वक्त हमारी जरूरत है। जय हिंद।